एवरीवन, इन द लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट्स के अंदर, और किसकी हेल्प से करते हैं, और उसके क्या क्या मैकेनिज़म्स हैं, ये सब हमने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग। सिमिलरली वही चीज़ है, वहाँ जो प्लांट्स में जो मटेरियल्स थे वो वाटर मिनरल्स थे। अब हम ये देखेंगे कि ह्यूमंस में ऐसे कौन से मटेरियल्स हैं जो हमको ट्रांसपोर्ट करना है। प्लांट्स में हमने क्या देखा था, वाटर मिनरल्स एंड फूड। अब ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल क्या है, डाइजेस्टिव फूड हो गया आपका, रेस्पिरेटरी गैसेस हो गए, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो गए, आपके कुछ हार्मोन्स हो गए, ठीक है, एंड मैनी अदर्स। अब इन सारे मटेरियल्स को हमें ट्रांसपोर्ट करने के लिए अगेन एक सिस्टम की ज़रूरत है। तो ह्यूमन में वो सिस्टम क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये आपके मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। दैट मीन्स द मटेरियल दैट आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ बॉडी टू अनादर बाय अ मास सिस्टम कॉल्ड एज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब क्योंकि हम पर्टिकुलरली ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमंस का आप ऑलरेडी जानते हो कि मेटाबॉलिक रेट कितना हाई होता है। अब जब मेटाबॉलिक रेट इतना हाई है, दैट मीन्स आपको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स और ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी उस बॉडी के लिए। अगर न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है या रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका वेस्ट प्रोड्यूस होगा, तो वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में होगा। तो उस वेस्ट को भी रिमूव करना, ये भी एक्चुअली सर्कुलेटरी सिस्टम करता है, करेक्ट। अब हम जब बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, इसमें हमें ये देखना है कि क्या ये सिस्टम किस चीज़ को इंश्योर करता है। सो दिस सिस्टम इज़ एक्चुअली और हैज़ टू इंश्योर दैट ऑल द मटेरियल्स रीचेज ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी एट अ फास्टर टाइम एट अ फास्टर रेट। दूसरी चीज़, द सिस्टम शुड ऑल्सो कलेक्ट ऑल द मटेरियल्स फ्रॉम ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी एंड ट्रांसपोर्ट दैम वेयर एवर इट इज़ नीडेड। तो अब हम बात करते हैं, जैसे कि सिस्टम तो हो गया हमारा, लेकिन सिस्टम का ट्रांसपोर्टर कौन होगा, मतलब उस मटेरियल को सिस्टम के थ्रू कैसे ट्रांसपोर्ट करके लेके जाया जाए, वो कौन सा ट्रांसपोर्टर है। इस सिस्टम के बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है आपका ब्लड, सेकंड इज ब्लड वेसल्स, थर्ड इज हार्ट एंड द लास्ट वन इज लिम्फ। अंडरस्टैंड, ये चारों इसके सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं। अब हम वन बाय वन सारे कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड की। तो ब्लड के दो पार्ट्स हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है, फर्स्ट है प्लाज्मा और सेकंड है ब्लड सेल्स। प्लाज्मा जो आपका होता है वो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप लोग को अभी पता ही है कि अभी जो ये जो कोरोना वायरस है, इसका जो हम इसका जो इलाज ढूंढ रहे हैं वो भी हम प्लाज्मा के बेस पर ढूंढ रहे हैं, ठीक है, कि आपके ब्लड के अंदर एक पेल येलो कलर का लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसको आप बोलते हो प्लाज्मा थेरेपी। सुना ही होगा आप लोगों ने। ब्लड सेल्स अगेन दे आर ऑफ थ्री टाइप्स, फर्स्ट इज RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। RBC इज रेड ब्लड सेल्स, WBC इज वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। अच्छा, इसको हम हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। ये रेड कलर का होता है, छोटे सर्कल के फॉर्म में होता है, या बोल सकते हो कि सर्कुलर इन शेप होता है, और इसको हीमोग्लोबिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रेड पिगमेंटेड होता है। RBC एंड हीमोग्लोबिन, इट कैन ट्रांसपोर्टेड द ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द बॉडी। अब नेक्स्ट है आपका WBC। ये RBC के कंपेयर में लार्ज होता है, कलरलेस होता है एंड राउंडेड शेप होता है। WBC का फंक्शन क्या है, WBC मूव एक्टिवली एंड प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय डिस्ट्रॉइंग देम।
मीन्स हमारी बॉडी में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर करते हैं उसको ये डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। थर्ड है आपका ब्लड सेल में प्लेटलेट्स। अब ये क्या करता है, ब्लड प्लेटलेट्स एक्चुअली में हेल्प करता है कोएगुलेशंस करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोग को जब भी कहीं पर कट लगता है, ठीक है, तो वहाँ पर उस जगह पर ब्लड निकलने लगता है, ब्लड का फ्लो होने लगता है। आप थोड़ी देर बाद देखोगे ब्लड ऑटोमेटिकली वहाँ पर रुक जाएगा या वहाँ से ब्लड बहना बंद हो जाएगा, तो वो आपका ब्लड प्लेटलेट्स की वजह से होता है, वो वहाँ पर ब्लड को रोक देती है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई हमारे ब्लड की, लेकिन ब्लड का अभी यहाँ पर काम ख़त्म नहीं हुआ है। ब्लड का जो काम है वो आपके पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में, मतलब पूरा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट आपका ब्लड ही है। चलिए आप अब RBC WBC के और प्लेटलेट्स के बारे में लिख लीजिए। ट्रांसपोर्टेड of oxygen from lungs to body tissues। okay, अब WBC के बारे में लिखेंगे, protect the body against diseases, या disease लिख लो, causing microorganisms। and the last one is helps in coagulation of blood। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी टिश्यूज, प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हेल्प्स इन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। अब नेक्स्ट है आपका ब्लड वेसल्स।